To watch more of Bollywood entertainment, download Shemaroo Me app now. Ladies and gentlemen, please be seated. अब से ठीक 10 मिनट के बाद नए साल की मलिका नए साल का स्वागत करेंगी. अब हम नए साल की मलिका को चुनेंगे. Let's choose the queen. Come on, let's play a musical game, will you? वीनू जरा इनको जरा बाहर मिले जा, वहां मेरा टेबल बुक है. श्योर, मैं एक फोन करके आता हूँ.
Good luck. I'm coming. See you. All right. How are things? Oh, it was very nice. Me? How have you been? Fine. Yeah, that's what he told me. But you know, I didn't believe it. Please sit down. Vinu, mere liye drink lekar aana, please. My pleasure, Zarina. Thank you. पहचाना नहीं? विनय श्रीवास्तव की पार्टी में मेरा नाम जरीन मल्लिक है और मेरा इंदर सक्सेना. प्लीज टू मीट यू द किंग ऑफ फ्लावर्स फॉर द क्वीन ऑफ ब्यूटी. थैंक यू. लेकिन वो जो आ रहे हैं ना, वो ग्लास लेकर, वो बहुत ही मशहूर बॉक्सर हैं. अच्छा, हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही डेविड वहां पहुंचा, गुलायत डर के मारे पीछे. आप बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक. देखो मिस्टर, मैं सब देख रहा था. फिजूल गले पड़ने की कोशिश मत करो. तो यहां से ड्रिंक लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं. वाह जनाब, ये कैसे हो सकता है? ड्रिंक तो मैं ही लाऊंगा, बैठिए. देखो मिस्टर, प्लीज बैठ जाओ. प्लीज, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए. तुम इसे कैसे पहचानती हो? क्यों, ये एक नंबर का लुच्चा प्ले बॉय है. मैं क्या जानू, मैं तो अभी भी इससे मिली हूँ. मैं नहीं मानता. देखो, मैं रमेश से कह दूंगा कि तुम. हाँ हाँ, कह देना, मुझे धमकी मत दो. मेरा दिल जिससे चाहेगा मैं उसी से मिलूंगी. योर ड्रिंक लेडी. मिस्टर पोटैटो चिप्स, लेडीज को शराब ऑफर करने का तरीका यह है कि हरिकेन आए, तूफान आए, भूचाल आए, लेकिन ग्लास से एक बूंद शराब भी न छलके. और छलके तो कायदे से छलके. यूं बावरा, खुद सीधा हो जाओ, बाद में दूसरे को सीधा करो. इसमें क्या, छोटे साहब का हाथ? नहीं, मजा आ गया. नहीं बाबूराम, और सीधा हो जाओ, इससे काम नहीं चलेगा. बिल्कुल ठीक. छोटे साहब उठिए, 11 बज गए. मामा जी 6 मरतबा पूछ चुके हैं. हैप्पी न्यू ईयर बाबूराम. हैप्पी न्यू ईयर छोटे साहब. हैप्पी न्यू ईयर. Thank you.
जमे से गिरा होगा, वो तुम्हारा उठा लो। जेब में डालो, जेब में डालो, जेब में डालो। बहुत कम, बहुत कम। अरे बाबू राम जी, तूने मेरी बिस्की पी क्या? जी नहीं साहब। जी नहीं साहब क्या? नहीं पी तो सीधा कैसे? साहब आप सबको तो मालूम है, बगैर पिए हम लड़खड़ाते हैं। आज न्यू ईयर डे है, बाहर से बहुत आदमी आने वाले हैं, वो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसीलिए थोड़ी सी पी ली। ठीक है ना साहब? बोलिए ना, ठीक है ना साहब? बोलिए ना, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। इंदर मामा जी आ गए, अब होगा। क्या होगा? अब खुद ही देख लीजिएगा। उठ गए? हैप्पी न्यू ईयर मामा जी। मेरा न्यू ईयर इतना हैप्पी शुरू नहीं हुआ है अंदर। क्यों, क्या हुआ? आज सुबह ही कुछ लोग तुम्हारी शिकायत लेकर आए थे। कल रात होटल में क्या किया था तुमने? वो तो उन्हीं लोगों ने बता दिया होगा, ये सब तो होता रहता है मामा जी। आखिर तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? शरीफ खानदान की लड़कियों के पीछे तुम क्यों हाथ धोकर पड़े रहते हो? क्या क्या कहा आपने मामा जी? शरीफ खानदान लड़कियां? फिर वही बात छेड़ दी तुमने। एक भूल हो गई मुझसे तो क्या जिंदगी भर उसके ताने देते रहोगे मुझे? नहीं मामा जी, नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, और सच पूछिए तो शिकायत मुझे किसी से भी नहीं है। मैं तो इस खोखले समाज को जरा नजदीक से देखने की कोशिश करता हूं। देखने का यह तरीका छोड़ दो इंदर, तुम तो जानते हो कि इस दुनिया में तुम्हारी सेवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे पिता सिर्फ मेरे बहनों ही नहीं थे, मेरे दोस्त भी थे। आज जो लोग आए थे काफी खतरनाक मालूम होते हैं, तुम्हें मारने की धमकी दे गए। मैं अपना वर्ल्ड टूर कैंसिल किए देता हूं। नहीं मामा जी, आप जरूर जाइए, पहली बार तो जा रहे हैं घूमने। मैं वादा करता हूं कि आपके आने के पहले कत्ल नहीं होऊंगा। मैं एक शर्त पर जा सकता हूं कि 6-8 महीने जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम प्रतापगढ़ जाकर रहोगे। प्रतापगढ़? वहां जो अपनी इंडस्ट्रियल कॉलोनी बन रही है उसका काम वक्त पे खत्म करना है, लाखों का सवाल है। और ख्याल रहे कि तुम भी उसमें आधे के भागीदार हो। हाँ मामा जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रतापगढ़ क्यों? तुम्हारे पिताजी की तो वहां 12 साल तक पोस्टिंग रही है और कॉलेज के दिन तुमने भी वहीं गुजारे हैं। हाँ मामा जी, इसीलिए तो मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता कि वो कितना उंगता पिनकता शहर है। समझा मामा जी। मामा जी, अगर ये शर्त पूरा करने से आपको खुशी मिलती है तो ठीक है, पूरा करूंगा, चला जाता हूं प्रताप का। अब्बा मैं जरा रमा से मिलकर आती हूँ। हाँ अरे बेटी, थकी हारी आई हो, हाथ मुंह धो लो फिर जाना। ओहो, हाथ मुंह तो ट्रेन से उतरने से पहले ही धो लेते। अब्बा आप जरा सामान संभाल लीजिए। अच्छा हाँ भाई, ला सामान लाओ, ये लो। अच्छा, तो प्रेम पत्र लिखा जा रहा तो है। मुर्दी अभी आई। हाय लाख, क्या गर्मी है यहाँ। हमारे वहाँ है ना नैनीताल में, क्या गजब का मौसम हो रहा है रमा, मैं क्या बताऊँ। अच्छा तो 2 ही महीने में आप नैनीताल वाली हो गई। हाँ अरे तेरा अभी कुआरा पिंडा है, तू क्या जाने नैनीताल का मतलब। अरे रमा, मौसम तो दिल में और आंखों में और होठों पर और बाहों में होता है मेरी जान। तेरा डेंटिस्ट नहीं है, तेरे पान खाने पर तुझे डांटते नहीं। डांटेंगे? अरे मैंने तो उनको भी पान खाना सिखा दिया है। बहुत अच्छा किया। तू लिख क्या रही थी? फिर भी कविता। क्या तू तुझे भी लग गया ये रोग? तेरे दूल्हा भाई को भी शारे का चस्का पड़ गया। लेकिन डेंटिस्ट है ना, तो सिर्फ मेरे दांतों की तारीफ में लिखा करते हैं शेर। पागल।
अल्लाह कसम रमा, शादी होती है बड़े मजे की चीज। मैं तो आज ही उन्हें खत लिखने वाले हूँ कि तुम जल्दी से आ जाओ, बस आए एक मुसीबत तेरे घर में। वो गला तूने रखा ना मेरे लिए, बाहर फेंकना। चाचा कैसे हैरी? वैसे ही है। देख रमा, जब तक अब्बू का इलाज चलता रहेगा ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। तू किसी आई स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं दिखाती? अरे जब मरीज खुद अंधा होने पर तूला बैठा हो तो कविच्चे बेचारे क्या करें? उन्होंने तो पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर रखा है। लेकिन पिताजी का ये हाल है कि मैं जरा सी इधर उधर हुई नहीं कि चश्मा चढ़ा कर बैठ जाते हैं। अच्छा अब अपनी सुना, कैसे गुजर रही है? ये शायरी वायरी क्यों शुरू कर दी तूने? तो और क्या करती, तेरे जाने के बाद बिल्कुल बोर हो गई। कैलेंडर ना देखूं तो एक दिन को दूसरे दिन से अलग करना मुश्किल हो जाए। कहा मान, शादी वादी कर डाल। किससे? इस दीवार से या उस खिड़की से? क्यों, तेरे नमस्ते जी क्या बुरे हैं? है? अरे वो ही अपने पंडित प्रेम प्रकाश त्रिवेदी साहब, आते जाते तो होंगे रमा। रोज बिला नागा सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे। अच्छा, फिर तो तू मान या ना मान, चक्कर तेरा ही है। चक्कर मेरा ही है, आंख उठा के देखते है नहीं मेरी तरफ। बाप की सड़क समझ रखी है क्या? कब से हॉर्न? मेरे बाप की सड़क होती तो तू इतनी जोर से हॉर्न नहीं बजाता। अरे प्रकाश, रंगीन चश्मा उतारे बिना ही पहचान लिया। तू अभी तक इसी शहर में सड़ रहा है? पर तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सुना था तू दिल्ली में कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है। उसी सिलसिले में तो यहाँ आना पड़ा। वो दिल्ली के मामा जी है ना, उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉलोनी बनाने का ठेका लिया हुआ है, मुझे ओवरऑल इंचार्ज बना दिया। अच्छा, कॉलेज के यारों में से तू ही पहला मिला है। चल मेरे साथ जरा पुरानी यादें ताजा करें। चल। अरे ये साइकिल क्या है, सड़क पर फेंक दूं? तू चल, मैं तुझे फॉलो करता हूँ। अच्छा जल्दी आना। हाँ नमस्कार मैनेजर बाबू। आइए आइए, अभी का इंतजार था। इंदर बाबू आ गए? अरे वो तो आ रहे हैं मगर आप जाने वाले हैं। अरे आप पर तो आज बबला हो गए। अरे भाई सब कॉन्ट्रैक्ट ही है तो सब काम पूरा करना चाहिए ना, एक काम अधूरा छोड़कर दूसरा काम क्यों देते हो? कान पकड़ता हूँ, इस बार बचा लीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी कह दीजिए, मेरी धर्म पत्नी गुजर गई है और एक धर्म पत्नी तो कुछ साल पहले गुजर भी चुकी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अंजाम लाल, क्या खबर? क्या बताऊं सर, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? जी वो अभी कुछ 15 दिन हुए बैठे बैठाए मेरी घरवाली का हार्ट फेल हो गया सर। अरे रे 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 रे। सरकार को लिखे देता हूँ कि एक सब कंट्रैक्टर की पत्नी के गुजर जाने की वजह से कॉलोनी वक्त पर तैयार नहीं हो सकती, जो नुकसान होगा वो आप बताइए। मैं मर जाऊंगा सर, मैं मर जाऊंगा। आप क्यों मर जाएंगे जब मरने के लिए आपकी पत्नी मौजूद है? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? अभी अभी आपके घर से आ रहा हूँ, आपकी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ हैं। सोलिसिटर साहब से कहिए इनके अगेंस्ट लीगल कार्यवाही शुरू करें। सर मेरा वक्त मत जाया कीजिए, चाहिए चाहिए आज। हाँ प्रकाश, अरे वो सीमेंट तो क्या हुआ? परमिट तो 15 दिन से पहले नहीं मिल सकता सर। कितने साल से आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, अभी तक आपको ये नहीं मालूम हुआ कि परमिट कैसे हासिल किया जाता है? 3 दिन के अंदर वो परमिट आ जाना चाहिए, समझे? हाँ प्रकाश। गुड मॉर्निंग इंदर जी। अरे माधव साहब आइए आइए। आइए माधव साहब। डार्लिंग देखो ना, तुम भी तो कोई और नजर आ रहे हो।
अरे तुम तो वाकई में कोई और हो। खैर कोई बात नहीं, एक सिगरेट दोगे? जी मैंने पीता। तो इसमें घबराने की क्या बात है, यही तो था पैकेट। अंदर वो औरत, मेरा मतलब वो लड़की को। लड़की कहीं नहीं अभी तक? मैडम की हालत जाने लायक नहीं थी सर। अरे तो उठा के फेंक क्यों नहीं दिया आपने? जाने लायक नहीं थी। तुम गए नहीं अब तक? सिगरेट का पैकेट नहीं मिल रहा डार्लिंग। मैंने कहा तुम गए क्यों नहीं अब तक? रात को तो तुम ऐसे नहीं डांटते। ये रात नहीं दिन है, चलो कपड़े पहनो, पिछले दरवाजे से निकल जाओ। चलो सुनो, एक 200 रुपया एडवांस मिलेंगे, मुझे नई परफ्यूम लेनी है। ये लो और जाओ। फिर कब आओ? कलवा दूंगा। ए लड़का, प्रकाश चला बाहर जाके बागीचे में बैठ, यहाँ बात करने की चैन ही नहीं। लड़का अरे देख, कोई नाश्ता बना के बाहर बैठ। अच्छा चल दे। अरे अरे कौन है भाई? हाथ तो किसी लड़की का लगता है। अब सवाल ये है कि उन 5 लड़कियों में से ये किसका हाथ है जिन्हें मैं चाहता हूँ? ये बात पहले बताइए, 5 कौन? अरे 4 तू और 1 रमा। भाई बेटा जरा देखूं तो लैला बिटिया को ससुराल में खाना वाना ठीक से मिला है या नहीं। अरे चाजान, मैं तो इतने मोटे हरफों में लिखी गई हूँ कि बिना चश्मे के भी आराम से चढ़ी जा सकती हूँ। आओ आओ प्रकाश आओ। नमस्ते जी। अरे अचानक ये हंसने का दौरा क्यों पड़ गया भाई? आंदा भाईजान। अरे लैला, लगता है किसी ने आपसे कह दिया है कि आप नीचे देखते हुए ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। मेरी बात सुनिए, जिंदगी कदमों में नहीं सामने होती है। आओ 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 प्रकाश आओ बैठो। भाई वो प्रूफ आज देख के खत्म ही कर दो। जी। To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shemaroo Me now.